हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पे स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हरिताल का तिज किस तारीख को है साल 2019 में, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की अवधि क्या है प्रातःकाल की, और प्रदोष काल मुहूर्त क्या है, क्योंकि मेन पूजा जो होता है वो प्रदोष काल में होता है। ये जो हरिताल का तीज व्रत है वो मैं आपको बता दूं, ये हमारे हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरिताल का तीज मनाई जाती है। भाद्रपद के शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है, और हरिताल का तीज व्रत कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती है। विधवा महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। तो ये कब है ये हम आपको बता देते हैं, और साथ में हम आपको बताएंगे इसकी कथा और धार्मिक महत्व। तो साल 2019 में हरतालिका तीज 1 सितंबर को है, दिन है रविवार। प्रातःकाल का जो मुहूर्त है वो सुबह के 5:58 से लेकर सुबह के 8:31 तक है, मतलब 2:32। और जो प्रदोष काल मुहूर्त है, जो शाम का जो मुहूर्त है, वो शाम को 6:43 से लेकर शाम को 8:58 तक है, ये प्रदोष काल मुहूर्त है। अब हम आपको बताएंगे इसका पौराणिक महत्व और कथा। देखिए, हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और इसकी अपनी एक पौराणिक कथा है। यह व्रत वास्तव में सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति आस्था और प्रेम का त्यौहार है। तो हरतालिका तीज का कथा उस दिन सुनना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं आपको कथा सुना रहा हूं। एक बार पार्वती जी पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए, पार्वती जी को पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए महादेव जी ने कथा कही थी। महादेव जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर भागीरथी के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था, और उस दौरान तुमने अन्न का त्याग कर रखा था तथा केवल हवा तथा सूखे पत्ते चबाकर तपस्या की थी। माघ की शीतलता में तुमने लगातार जल में प्रवेश कर तप किया था, वैशाख की तपती गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया, श्रावण के मूसलाधार बारिश में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया, और तुम्हारी इस तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज रहते थे। एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी आए वहां पर, और नारद जी तुम्हारे पिता से मिले, तो तुम्हारे पिताजी ने उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है, आपकी कन्या की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं, आप बताएं कि आपकी इच्छा क्या है। नारद जी के बाद से पर्वतराज बहुत प्रसन्न होकर बोले कि श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, वे तो साक्षात पर ब्रह्म है। यह तो सभी पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपत्ति से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। और नारद जी, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का शुभ समाचार सुनाया। आगे शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि जब तुम्हें इस शादी के संबंध में पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई, और तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा, तब तुम बोली कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, परंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया, मैं तो धर्म संकट में पड़ गई हूँ, अब मेरे पास प्राण त्यागने के अतिरिक्त और कोई उपाय बचा ही नहीं, पार्वती जी कहती हैं। तो सखी पार्वती जी से कहती है कि प्राण त्यागने का यहाँ कोई कारण नहीं लगता, दुख के समय धैर्य से काम लेना चाहिए,
वास्तव में भारतीय नारी जीवन की जो सार्थकता है वो इसी में है कि एक बार स्त्री जिस पुरुष को पति रूप में वर्ण कर लिया है सच्चे मन से, तो जीवन पर्यंत सच्चे मन और तन से निर्वहन करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सामने तो भगवान भी असहाय है। और वो सहेली कहती है पार्वती जी से कि मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान अवश्य ही तुम्हारी सहायता की पूर्ति करेंगे, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। और अपनी सखी के साथ पार्वती जी जंगल चली जाती हैं। इधर पार्वती जी के जो पिता हैं वो घर पे नहीं देखती पार्वती जी को और बहुत चिंतित हो जाते हैं। और वो सोचने लगते हैं कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है, यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो ये तो बड़ा अपमान वाली बात होगी। तो ऐसा विचार करके पार्वती जी के पिताजी ने उनकी खोज शुरू करवा दी और उनकी खोज उधर होती रही। और पार्वती जी अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर के गुफा में आराधना में लगे रहे शिव जी के। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि तथा हस्त नक्षत्र था, उस दिन पार्वती जी ने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर उन्होंने शिव जी की स्तुति की, गीत गाकर जागरण किया और उनकी इस कठोर तपस्या से प्रभावित होकर भगवान जो शिव जी है प्रसन्न होकर वहां पे पहुंचता है और वर मांगने के लिए कहता है। पार्वती जी खुश हो जाती है उन्हें सामने देख और कहती है कि मैंने सच्चे मन से आपको पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पर आए हैं तो मुझे अपनी अर्धांगी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर शिव जी लौट जाते हैं और सुबह होते ही पार्वती जी ने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करती है और सखी सहित व्रत का वर्णन करती है। उसी समय जो गिरिराज थे, पार्वती जी के जो पिता थे, अपने बंधु बांधवों के साथ ढूंढते वहां पे पहुंच जाते हैं। अब पार्वती जी के मन तथा तन की दशा देखकर वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण क्या है। तो पार्वती जी कहती है कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का एकमात्र उद्देश्य महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करना था और आज मैं तपस्या का फल पा चुकी हूँ। चूंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय कर चुके हैं थे, इसलिए मैं अपने आराध्य महादेव शिव जी की तलाश में घर से निकल गई थी। अब मैं इसी शर्त पर घर लौटूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने पार्वती जी की इच्छा स्वीकार कर ली और फिर वापस घर ले गए। थोड़े समय बाद पूरे विधि विधान के साथ पार्वती जी का और शिव जी का विवाह होता है। उसके बाद महादेव शिव जी पुनः पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी पूजा अर्चना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो पाया है। अतः इस व्रत का महत्व यही है कि जो स्त्री तथा कन्या पूरी निष्ठा के साथ व्रत करती है उसको मैं मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ और तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियाँ हरितालिका तिज व्रत का व्रत रखती है और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो ये हमने आपको बता दिया समय और कथा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी श्रोतागण हैं अगर उनको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर कर दें और मैक्सिमम लोगों तक हमारे वीडियो पहुँचे, क्योंकि बहुत लोग कथा सुनते हैं। कथा सुनने के लिए पंडित वगैरह का बंदोबस्त करना पड़ता है, पंडित भी आपको यही कथा सुनाएंगे जो मैंने आपको सुनाया है। तो आप इसे जब व्रत वगैरह कर लें और जब कथा सुनने का समय आए तो आप ये कथा भी सुन सकती हैं। बेसिकली ये होता है कि एक्चुअली में हम ये त्यौहार करते क्यों हरितालिका तीज, तो कथा के द्वारा उसका फल बताया जाता है। तो कथा के द्वारा ही हमने भी आपको ये फल बताया कि यदि आप हरितालिका तीज रखती हैं तो इसका फल क्या है। तो बेसिकली पार्वती जी की पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए महादेव शिव ने इस प्रकार की कथा कही थी। तो धन्यवाद,
आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।